स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू, और आज मैं आप लोगों से COVID-19 के इन्फेक्शन के बाद होने वाले पोस्ट इम्पैक्ट के बारे में बात करूंगी। इसमें जैसे कि आजकल जो भी केसेस हैं वो जैसे लॉन्ग टर्म आईसीयू में रह रहे हैं, ओल्डर एज ग्रुप को जो COVID-19 से होने वाले जो रिस्क फैक्टर हैं, जो आफ्टर रिकवरी भी उन्हें परेशान कर सकते हैं, उनके बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ बातें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग आजकल एक टर्म सुने होंगे जो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस, इसको हम लोग म्यूकोर माइकोसिस भी कहते हैं। तो ब्लैक फंगस होता क्या है? बेसिकली ये कोई नया डिजीज़ या नया टर्म नहीं है, काफ़ी समय से ये नोन डिजीज़ है ब्लैक फंगस। एक्चुअली ये एक तरह का म्यूकर मोल्ड है जो कि मिट्टी में पाया जाता है, और हमारे जो श्वास नली है उसमें भी ये नॉर्मल पर्सन में रहता है। लेकिन जब भी कोई अपॉर्चुनिस्टिक कंडीशन आता है जिसमें कि ये फंगस ग्रो करने लग जाता है, वो अपॉर्चुनिस्टिक कंडीशन को ये बहुत अच्छे से ये फंगस यूज करके अपने आप को ग्रो करता है बॉडी के अंदर। तो ये कब कब होता है? तो ओल्डर एज ग्रुप जो भी पीपल हैं, जैसे कि जो आज COVID-19 में कुछ टाइम पहले भर्ती थे और उन पे लॉन्ग टर्म थेरेपी स्टेरॉइड का चल चुका है, इस थेरेपी के कारण क्या होता है कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और छोटे से छोटे इन्फेक्शन से लड़ने की जो शक्ति होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, जिसके कारण पर्सन का जो इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ते ही चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले चुके हैं और ओल्डर एज ग्रुप के हैं, उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार जो इंडिया में अभी ब्लैक फंगस का केसेज है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल COVID-19 में ये केस इतना ज़्यादा नहीं था, कुछ ही जगहों में पाया गया था, जैसे दिल्ली में रिपोर्ट हुआ था। लेकिन अभी के कंडीशन में, अभी के प्रेजेंट सिनारियो में, जो हमारा म्यूटेंट COVID-19 वायरस का जो स्ट्रेन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, और ये काफ़ी ओल्डर एज ग्रुप को परेशान कर रहा है। तो जो लोग भी रिकवर हो चुके हैं उनके लिए ये एक सावधानी रखना है कि कैसे हम इस चीज़ को अर्ली पहचान सके, अर्ली इसके साइन और सिम्टम्स को समझ सके, और जल्द से जल्द हम डॉक्टर से संपर्क करें और इस चीज़ से उबर सके। तो जो भी लोग, एक तो स्टेरॉयड थेरेपी हो गया, प्लस जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, या फिर यूँ कहें कि जो पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ पेशेंट है, उनके लिए ये फंगस काफ़ी घातक है, क्योंकि अगर इसको सही समय से इलाज नहीं किया गया तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है और ये जानलेवा होता है। तो इन स्टेरॉयड थेरेपी और डायबिटीज़ के कंडीशन में पहले ये चीज़ नहीं रिपोर्ट होता था, इतना कॉमनली नहीं पाया जाता था। पहले जो HIV पेशेंट होते थे, सिर्फ उसमें ये HIV पेशेंट्स या लॉन्ग टर्म कैंसर पेशेंट जो होते थे उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन दिस ईयर ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन और जो म्यूटेंट है वायरस का, म्यूटेंट वायरस है वो काफ़ी इस इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है। तो जो पर्सन है उनके लिए हम लोगों को क्या, मतलब ऐसा करें जो हम लोग इसको अर्ली डायग्नोस कर लें। तो सबसे पहले जो पेशेंट लॉन्ग टर्म ICU में रह के आ चुके हैं, या स्टेरॉयड थेरेपी जिन पे चल चुकी है और काफ़ी डेबिलिटेटिंग है, मतलब उनके पास रीनल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, और मल्टीपल उनके दवाइयों की थेरेपी चल रही है अलग अलग बीमारियों की, तो उनको ज़्यादा सतर्क रहने का ज़रूरत है। ऐसे केसेस में हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो पर्सन की आइज होती है उसमें इचिंग स्टार्ट होगा, आइज में पेन होगा, समटाइम्स इचिंग इज नॉट देयर, बट आइज पेनफुल हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे, और लगेगा कि बल्जिंग आइज है, मतलब बाहर की तरफ आइज आ गए हैं। उसके बाद जो नोज नेजल ब्रिज होता है, नेजल ब्रिज पे भी ब्लैक मार्क्स आ जाएंगे। कुछ फोटोग्राफ्स है जिसके जरिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि इसको हम लोग कैसे अर्लियर पहचान सकें,
कैसे समझ सके और कैसे हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग उनको इस बीमारी से फैलने से पहले ही हम लोग उसको रोक सके। तो अभी मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाऊंगी। जैसे इस पेशेंट का आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आईज के पास एक बल्जिंग दिख रहा है। ये बल्ज आपको अनयूजुअल लगेगा, ये नॉर्मल साइड है और ये अफेक्टेड साइड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आईज है वो प्रोप्टोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्जिंग आईज, इस तरह और रेडन भी है। और पेशेंट को कंप्लेन रहेगा पेन का। और बेसिकली जो ये वायरस है वो नोज के थ्रू एंटर होता है, और नॉर्मल पर्सन में ये नोज में भी पाया जाता है, लेकिन उनको उनके बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता इतनी होती है कि वो इसमें ग्रो नहीं कर पाता है ये फंगस जो है। तो ये फंगस का जो ट्रैक है वो नेजल ट्रैक से होते हुए ऑर्बिट को होते हुए ये ब्रेन तक जाता है। तो जो ये फंगल इन्फेक्शन है और ब्लैक फंगस है, इसको हम लोग राइनोसेरेब्रल टाइप में रखेंगे। और जैसा कि नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में आप देखेंगे कि दिस इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग हेयर बल्जिंग आईज और नेजल ब्रिज जो होता है उसमें ब्लैकनिंग आ जाएगा। प्लस पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा नेजल डिस्चार्ज का, स्टफी नोज का, नोज उनका कंजेशन भरा रहेगा, मतलब भरा रहेगा। प्लस ये पैलेट में भी दिखेगा, एक ब्लैक मार्क बन जाएगा पैलेट में भी, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो साइनस को होते हुए ये फंगस ग्रो कर रहा है। तो इसका राइनोसेरेब्रल ब्लैक फंगस और म्यूकर माइकोसिस हम लोग इसको जानते हैं। और जो पैरानेजल साइनस एरिया है वहाँ पे भी आपको ब्लैक मार्किंग दिखेगा। तो जैसे कि ये डिजीज अभी हम लोगों ने शुरुआती दौर में जैसे देखा कि पेशेंट को पेन है, और इस कंडीशन में ही हम लोग उसको डॉक्टर से मिलते हैं और अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हम लोग COVID-19 से सफ़र कर चुके थे और अभी हम लोग रिकवर हुए हैं, और मल्टीपल जो भी डिजीज़ है पेशेंट का वो क्या दवाइयाँ यूज किए हैं और किस तरह से उनका इलाज हुआ है, स्टेरॉयड थेरेपी पे हुआ है, या फिर वो डायबिटिक हैं, या फिर और भी जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनका बॉडी में इम्यून का पावर कमज़ोर होता है। तो वो सारी हिस्ट्री देने के बाद ये बीमारी अगर अर्लियर डायग्नोस हो जाए तो जान बच सकता है पेशेंट का। लेकिन जैसे ही ये सेरेब्रल ट्रैक से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है तो फिर ये डेडली फंगस होता है। तो ये COVID-19 का एक बहुत ही वर्सन पार्ट है कि इन्फेक्शन के बाद पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि पेशेंट ऐसे फंगस के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाता जो रूटीनली हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो हम लोग अपने एल्डर्स को, अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो भी अभी रिकवरी हो के आए हैं, उनके लिए एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये वीडियो है, ताकि आप उनके सिम्टम्स और साइन को इग्नोर ना करें, उसे पहचान सकें और अर्लियर उस डिजीज के लक्षणों को समझते हुए डॉक्टर की सलाह में आए, संपर्क में आए। अगर अर्ली स्टेज में रहेगा तो बहुत सारे उनके लिए बचाव हो सकते हैं, जैसे एंटी फंगल ड्रग थेरेपी होता है। लेकिन जैसे ही ये डिजीज वर्सन हो जाएगा फिर बचना पर्सन का मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही एक पार्ट को जैसे वो डैमेज किया, मान लीजिए हमारा नेजल ब्रिज है, तो वहाँ से उसको सर्जिकली एक्साइज करके फिर पेशेंट को इन्फेक्टेड पार्ट को हटा के पेशेंट को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ब्रेन तक इसको छोड़ देंगे पहुँचने के लिए फिर मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपके बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग अवेयर हो सके कि पोस्ट COVID-19 इम्पैक्ट क्या होता है, उस इन्फेक्शन के बाद किस किस तरह से हमारे शरीर के अंदर की रोग से लड़ने वाली क्षमता कमज़ोर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।